अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विद दिस गुड सेइंग, ऑलवेज लव योर यंगर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स. इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट आवर रीडिंग. सो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट फोकस ऑन द प्रोनंसिएशंस एंड वर्ड मीनिंग्स. सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर पेंसिल्स एंड राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. सो लेट स्टार्ट चैप्टर 1, टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, टॉलरेंस, बुर्दबारी. टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस. बुर्दबारी का मतलब है टू बेयर, बर्दाश्त करना पेन, दुख और हार्डशिप या मुसाइब विद पेशेंस, सब्र के साथ. दुख या मसाइब को सब्र के साथ बर्दाश्त करना बुर्दबारी कहलाता है. इट ऑल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स यू डू नॉट लाइक. इसका मतलब ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना भी है जिन्हें आप पसंद नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वैन यू आर इन अ पोजिशन टू टेक रिवेंज, जब आप में इंतकाम लेने की इस्तेआत हो, बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, तब आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं. डिस्प्ले, मुजाहरा करना, तो आप टॉलरेंस का, बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वॉज प्रैक्टिस्ड बाय और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे अजीम बुर्दबारी का मुजाहरा, प्रैक्टिस्ड, मुजाहरा, सबसे अजीम बुर्दबारी का मुजाहरा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी की का एक नमूना है. ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. विश्ड इल, बुरा चाहना. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन. रिवेंज, बदला लेना, इंतकाम लेना. एज़ यू नो स्टूडेंट्स, हज़रत आयशा वॉज द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया. अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम. मुसलमान होने से पहले अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था. एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के मौके पर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव हिम, ना सिर्फ उनको माफ़ किया बल्कि आल्सो ऑनर्ड, बल्कि ये इज्जत भी बख्शी. ऑनर, इज्जत बख्शना, हिम बाय डिक्लेयरिंग, ये ऐलान करके, एमनेस्टी, आम माफ़ी का. एमनेस्टी, मैंने आप लोगों को कल वर्ड मीनिंग ग्लॉसरी दी थी, उसमें एमनेस्टी था. एमनेस्टी का मतलब था आम माफ़ी का ऐलान करके फॉर दोस्त, उनके लिए, हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, उनके घर में पनाह ली थी. रिफ्यूज, पनाह लेना. फतह मक्का के मौके पर ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ कर दिया, बल्कि इन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके अबू सुफियान की इज़्ज़त अफजाई की, जिन्होंने उसके घर में पनाह ली थी. व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए. प्रीच का मतलब तबलीग करना इस्लाम की. तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए. द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, तो वहाँ के लोगों ने थ्रू फेंके स्टोन्स, पत्थर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेशन ऑफ ट्रायल. ट्रायल का मतलब आजमाइश, बुरा वक्त, ठीक है. ओकेशन, मौके पर. हज़रत जिब्राइल, आप लोगों को पता है, एंजल हैं अल्लाह ताला के, तो वो उनका काम था अल्लाह ताला का मैसेज अनबिया काम तक पहुँचाना, मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे. हज़रत जिब्राइल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आजमाइश के मौके पर से पूछा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, इफ़ यू सो विश, अगर आप चाहें, आई विल, आई विल डिस्ट्रॉय देम. कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए, अगर आप ऐसा चाहें तो मैं इनको तबाहो बर्बाद कर दूंगा. डिस्ट्रॉय मीन तबाहो बर्बाद कर दूंगा.
द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, ए अल्लाह रहीम व करीम, ग्रेशियस एंड मर्सीफुल रहीम व करीम, अल्लाह शो देम द राइट पाथ, इनको सीधा रास्ता दिखा, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे नहीं पहचानते, रिकॉग्नाइज मी एक्नॉलेज, पहचानना, दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर हूँ, make it known to them that I am their great well-wisher, इनमें ये शऊर पैदा फरमा दे कि वो समझ सकें कि मैं उनका नहायत खैर ख्वाह हूँ, we should follow the teachings of our Rasul sallallahu alaihi wasallam, हमें अपने रसूल sallallahu alaihi wasallam की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए, we learn from his life how much tolerance he practiced, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि पता चलता है कि उन्होंने किस कदर बुर्दबारी का अमली तौर पर मुजाहरा किया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट मुकम्मल अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में आला बुर्दबारी का मुजाहरा किया, He even prayed for his enemies. हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे, एंड फॉर दोज और उनके लिए भी हु ट्रबल्ड हिम, ट्रबल्ड परेशान करना, तकलीफ़ देना, और उनके लिए भी दुआ करते थे जो उनको तकलीफ़ देते थे. In his last address, अपने आखिरी खुतबे में द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड, खून बहा का बदला, एज वॉज अ कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब बेटा जहालत, जहालत का दौर था बेटा, बहुत सारी बुरी हमारी वो उनकी आते थी, उनके काम थे, उन्होंने कस्टम्स बना लिए थे, रिवाज बन गए थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देना, खून बहा का बदला लेना, एक होता है बेटा खून बहा का बदला, जो खून के बदले एक शख्स मारा गया है उसके बदले में उसके दूसरा शख्स को मारा जाए, लेकिन यहाँ पर वो लोग भूलते नहीं थे, दिल से नहीं निकालते थे, बदला लेने के बाद खून बहा का इंतकाम लेने के बाद भी वो दिलों से बात नहीं निकालते थे, वो उनकी ये नस्ल दर नस्ल उनमें ये चीज़ पाई जाती थी, वो हर नस्ल में खून बहा का इंतकाम लेते थे, तो उस चीज़ से रिवेंज फॉर ब्लड शेड, तो उस खून बहा के बदले एज अ कस्टम रिवाज था इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले जहालत के दौर में इज़ फॉरबिडन, मना कर दिया गया, तो इसका ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, खून रेजी का इंतकाम जैसा कि इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में रिवाज था ममनू करार दे दिया गया, मना कर दिया गया, आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्न रबिया, मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाजाद इब्न रबिया को कत्ल किया, हज़रत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, फरमाते हैं आई सर्व्ड, खिदमत करना, सर्व्ड मीन खिदमत करना, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 years, हज़रत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और डिड, अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी कही हुई किसी बात या किए हुए किसी काम पर एतराज़ नहीं किया, वी एज़ मुस्लिम्स शुड फॉलो द नोबल एग्जांपल ऑफ द टॉलरेंस ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब बुर्दबारी की अजीम मिसाल की पैरवी करनी चाहिए, दैट डिटीरियोरेशन का मतलब है बिगाड़, फसाद एंड कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा प्रिवेलिंग, परवान चढ़ना इन द सोसाइटी इज़ ड्यू टू लेक ऑफ टॉलरेंस,
बिगाड़ और लड़ाई झगड़े जो हमारे माशरे में परवान चढ़ रहे हैं, ये सब इन सब की वजह क्या है? दरगुजर की कमी। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हमारे माशरे का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज के दौर में जो जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, बिगाड़ हैं, जो हमारे माशरे में परवान चढ़ रहे हैं, वो दरगुजर की कमी की वजह से हैं। दिस मिनस ग्लॉसरी में कल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है ख़तरनाक रहजान, जो चीज़ बहुत हद तक परवान चढ़ जाए, ख़तरनाक रहजान। इस ख़तरनाक रहजान को कैन ओनली बी क्योर्ड, सिर्फ उस पर काबू पा सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जांपल्स सेट बाय आवर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हम इस ख़तरनाक रहजान पर सिर्फ अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा बुर्दबारी की अजीम शान मिसालों की पैरवी करते हुए काबू पा सकते हैं। मतलब कि अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें तो बेटा हमारी ज़िंदगियों में सुकून हो, ये फसाद, लड़ाई, झगड़े सारा कुछ ख़त्म हो जाए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पर हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगता है, कोई भी वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो आप, तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।